महाराष्ट्र के नासिक जिले से बेहद ही हैरान और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उनके परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। अब उनके शरीर पर चम्मच, स्टील और लोहे के बर्तन और सिक्के काफी आसानी से चिपक रहे हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी चुंबक से लोहा चिपक जाता है। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इस मामले में क्या सच्चाई है उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसके पीछे कोई चिकित्सीय कारण है या फिर कुछ और, ये सच जल्द सामने आने चाहिए। हालांकि परिवार ने इस चीज को प्रमाणित करने के लिए बकायदा एक वीडियो बनाया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनके शरीर से चम्मच, छोटी प्लेट, घर में इस्तेमाल होने वाले तमाम छोटे बर्तन सब कुछ चिपक गए हैं। वहीं इसके बाद डॉक्टर्स भी काफी हैरान हैं। परिवार ने इस घटना का वीडियो बनाया और जिला प्रशासन को सूचना दी है। प्रशासन की ओर से भी डॉक्टर्स की एक टीम बुधवार को अब जांच के लिए पहुंच चुकी है और वो भी ये सब कुछ देखकर काफी हैरत में पड़ गई। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि ये सब कुछ रिसर्च का विषय है और अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना काफी जल्दबाजी होगी। फिलहाल इसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को पूरी जांच के बाद भेजी जाएगी और आगे के निर्देश के हिसाब से ही काम किया जाएगा। तो बुजुर्ग सदस्य के परिवार वालों को लगा कि शायद से पसीने की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि नासिक के शिवाजी चौक इलाके में रहने वाले 71 साल के अरविंद जगन्नाथ सोनार ने 2 जून को कोविशील्ड की दोनों डोज पूरी कर ली है और उसके बाद ही उनके शरीर में ये बदलाव देखे जा रहे हैं। ताज़ा खबरों से वाकिफ रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।